आई एम डॉक्टर प्रशांत एंड आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। तो कुछ कंसर्न था, कुछ दिल में एक आसक्ति, एक जहन में एक दर्द था, बिकॉज कहीं ना कहीं एक सफ़ेद कोट के पीछे मैं भी एक इंसान हूँ। और जब मैं मरीज देखता हूँ या मरीज जब एक मरीज को कोई दिक्कत होती है तो कुछ ना कुछ दर्द हमें भी होता है, लेकिन उस दिक्कत की जड़ क्या है, वो जड़, वो बीमारी की जड़ क्या है, आज हमें वो समझना होगा। बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आज हम दुनिया में नंबर वन है डायबिटीज़ में। आप सबको पता है हमारी जनसंख्या कितनी है, और आप सबको पता है कि उस जनसंख्या में पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग कितने हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर लोग कितने हैं, और हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं सबके घर में देखिए माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। हमें एक चीज़ समझनी होगी, कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं वो कहीं हमारी दिन तो नहीं है। मुझे बहुत ख़राब लगता है जब कभी और हम सबको, मुझे नहीं, मेरे ख्याल से आपको भी, एक एग्जांपल देता हूँ। कभी एक कई बार रात में 3-4 बजे जब मैं शिफ्ट पे होता हूँ, कोई मरीज आता है एकदम से और उसमें जान नहीं होती है, घर वाले लेके आते हैं, उसके रिश्तेदार उसको लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब अभी ठीक थे बाबा जी, बाबा एकदम ठीक थे, और एकदम से छाती में दर्द बताया और वो लेके हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनमें कुछ नहीं, कोई जान नहीं है। अब यानी ऑब्वियस है कि हाँ कुछ हार्ट अटैक जैसा कुछ आया होगा, वो हार्ट अटैक की नौबत कैसे आई? हमारे घर में, मेरे घर में, आपके घर में, हम सबके घर में ये इमरजेंसी ऐसी नहीं, तो कोई किसी को फालिज हुआ हो जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, किसी को गॉल ब्लैडर किया, स्टोन हो, पथरी, किसी को बीपी होगा, किसी को शुगर होगा, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, इन सब, ये सब आप सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लगता है कि यार चलो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ली, कुछ दिन तक हमने अच्छा डाइट लिया, कुछ दवाई वाई खाना शुरू कर दी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे, आप सब में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं कि जब इमरजेंसी आती है तो वो बता के नहीं आती है। यही छोटी छोटी चीज़ें जब शुगर बहुत बढ़ जाती है और हम ध्यान नहीं देते और चलते रहते हैं, किसी को लकवा मार जाता है, जैसे किसी को फालिज मार देता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। दिक्कत यहाँ पे हॉस्पिटल जाने की और ट्रीटमेंट लेने की नहीं है, दिक्कत आपका कोई अपना जिसमें आपको कोई सगा जब हॉस्पिटल की बेड पे होता है तो वो जो इमोशन है, वो जो फीलिंग होती है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो आपको पता होगा, वो आप फील कर सकते हो, वो सबके घर में सबके साथ होता है। और बात सिर्फ इमोशंस की भी नहीं है, बात है मनी, पैसे की भी। हमारी जनसंख्या इतनी है कि कई बार बहुत सारे मरीज जो हार्ट अटैक के होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, या हॉस्पिटल ढूंढते रहते हैं। जिनके पास कुछ पैसे हैं, ठीक ठाक पैसे हैं, वो तो चलो ठीक है, इंश्योरेंस है या जो भी है, दे कैन गो एंड दे कैन टेक, वो जाता है अपना इलाज करवा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और हमें नहीं, हमें अपने साथ में, अपनी सोसाइटी में दूसरों को भी सतर्क रखना पड़ेगा कि हम एटलीस्ट इन सब चीज़ों से अपना बचाव करें, जिससे कि हम ये गंभीर बीमारियों से बचें। देखिए
हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, हम ये सब जब हमारा मरीज को, हमारे मरीज को हार्ट अटैक या कुछ ऐसी कुछ इमरजेंसी आती है, तो हम पिछला पुराना भूल जाते हैं उस समय, और वो जायज है, क्योंकि आप उस जोन में, आप इमरजेंसी में, आप उस मेंटल स्टेट में नहीं रहते हो कि पीछे क्या चल रहा था, आप उस जोन में होते हो कि जल्दी से जल्दी हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, हमारा भाई है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए इलाज से, ठीक है इलाज हो जाएगा। लेकिन कितनी बार इलाज के बाद भी क्या हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, इन सबकी जड़ क्या है? और हम सबको, मेरे ख्याल से हम सबको बताएंगे इन सबकी जड़ क्या है। हम सब एक दूसरे को बताते रहते हैं कि हेल्दी जियो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, बट हम फॉलो करते हैं क्या उसे? नहीं करते। तो आज मैं वही मुहिम लेके आया हूँ। लाइफ बहुत ही सिंपल है। मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपने घर से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, और मेरे भी फादर डायबिटिक हैं, और जिनका डायबिटीज थोड़ा रिवर्स हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मुहिम है वो मैं हर घर में शुरू हो, लोग डायबिटिक होने से बचें, लोग कोलेस्ट्रॉल होने से बचें, लोग बीपी होने से बचें, लोगों का लीवर ख़राब ना हो, एटलीस्ट जो बेसिक जो बीमारियां हैं, जो बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं, हमें उससे बचाव करना है। अगर हम उससे बचाव कर लिए तो बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। हम सबको पता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपको देखिए, आपको अपनी नीड समझनी पड़ेगी, आपको अपना परिवार, अपने परिवार को बचाव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो शुरुआत हमसे होगी। तो मेरी आप लोग से एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि हम ये जो बीमारियां हैं बहुत ही आसानी से झाड़ सकते हैं। हम अपने देश को, हम अपने देश को, इस दुनिया को एक हेल्दी, एक हैप्पी जगह बना सकते हैं जीने के लिए। क्योंकि हम सबको एक चीज़ तो पता ही है, अगर आप हेल्दी हो और आपका मेंटल स्टेटस अच्छा है, हेल्दी है, तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, रोज़ भागा दौड़ी। ये मुझे ये भी पता है कि बोलना आसान है, जैसे आप लोग बोलोगे ना यार सुबह से शाम तक हमें तो ऑफिस जाना पड़ता है, हम क्या करें कैसे करें, बहुत ही ईजी है, डोंट वरी नथिंग, कुछ टेंशन मत लो। मैं भी डॉक्टर हूँ ना, सुबह से शाम तक भागता दौड़ता हूँ, बस आपको कंट्रोल रखना है अपने जबान का, एक चीज़ बस जबान का। अगर आप अपने जबान पर कंट्रोल रख लोगे तो आप अपनी लाइफ पर काबू पा लोगे, जीत जाओगे आप अपनी लाइफ, गारंटी जीत जाओगे। तो हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, मैं अपने घर से शुरू कर रहा हूँ ये चीज़, और मैं आपको दिखाऊंगा, यानी जीरो से, कि हम कैसे आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। बस एक विल होना चाहिए और एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, वो विल क्या होना चाहिए, हमें नहीं कि हमें ठीक होना है, नहीं, उस हमें ठीक होने से, उस मैं से वो हम बन जाएगा। मैं ठीक रहूँगा तो मेरे पापा भी ठीक रहेंगे, मेरी मम्मी भी ठीक रहेंगे, मेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, मेरा भाई भी, यानी हमारा परिवार, और फिर परिवार से समाज, धीरे धीरे एक चेन बन जाएगी। और हम इन जो बीमारी है ना, ये जो जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो बड़ा रूप ले लेती हैं बाद में, ये ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये एक मुहिम है, और हम लोग है, मैं हूँ आपके साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि यानी क्या करना है, कैसे शुरू करना है। बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि खाने ही नहीं है, यू हैव टू, आपको अच्छे से खाना है, ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, बस कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों को भी पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, सबका शरीर अलग होता है, सबका डाइट एक जैसा नहीं हो सकता। कोई डायबिटिक है, या किसी को किडनी की दिक्कत है, या किसी को हार्ट की दिक्कत है, या कोई नॉर्मल आदमी है, या कोई बॉडी बिल्डर है, तो हर ये जो पांच छह लोग हैं इनका डाइट एक जैसा नहीं हो सकता ना। किडनी वाले की, जिसको किडनी की दिक्कत है,
जिसकी डायलिसिस हो रही है, तो आदमी ज़्यादा कम प्रोटीन खाएगा, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो हम उसको समाज में एक चीज़ ये है ना कि हाँ ये अच्छी चीज़ है ये खाओ, ये अच्छी चीज़ है ये खाओ, ये खराब चीज़ है ये खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है। मैंने एक मुहिम इसलिए शुरू की है क्योंकि मुझे ये चीज़ बार बार 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, लोग मेरे सामने कई बार जान भी गंवाए हैं और कई बार हम बचा भी लेते हैं, और तो ख़राब लगता है क्योंकि क्योंकि कल को वहाँ मेरे पिता भी हो सकते हैं, मेरा भाई भी हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप इस मुहिम से जुड़ो और हमारा साथ दो, और हम सब साथ में ये जो बीमारी है इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है? और बहुत ही आसान है, आप बस साथ में रहो, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, बहुत ही आसान है, ओके? तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जय हिंद, थैंक यू।